क्रिकेट वो खेल है जिसमें खिलाड़ियों को कुछ नहीं से बहुत कुछ बना दिया। क्रिकेट के खेल में अगर खिलाड़ी का मुकद्दर साथ दे तो वह दुनिया जीत लेता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्रिकेटर्स की जो क्रिकेट तो खेले हैं, लेकिन यह खेल उनका भाग्य नहीं बदल सका और उन्होंने दूसरे काम को अपना लिया। अशरद खान बने कैब ड्राइवर। पाकिस्तान की तरफ से 9 टेस्ट खेलने वाले और 32 विकेट झटकाने वाले अशरद खान जब पाकिस्तान की टीम में आए थे तब टीम को एक शानदार ऑफ ब्रेक गेंदबाज मिल गया था। साल 1997-98 के वेस्टइंडीज टूर के दौरान अरशद को टीम में चुना गया था, तो साल 2001 तक वो टीम में रेगुलर हिस्सा थे, लेकिन उसके बाद वो टीम के अंदर बाहर होते रहे। अरशद आखिरी बार 2005 में टीम में चुने गए, लेकिन वह अपना खेल बरकरार नहीं रख सके और उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया, जिसके बाद अरशद वापस ऑस्ट्रेलिया लौट गए और कैब चलाने लगे और अपने परिवार का पेट पालने लगे। जोगिंदर शर्मा हुए पुलिस में भर्ती। साल 2007 के T20 वर्ल्ड कप में धोनी की कप्तानी में नई टीम इंडिया टूर्नामेंट खेलने गई थी। टीम में शामिल थे युवा जोगिंदर शर्मा, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबले में आखिरी ओवर की कमान संभाली थी और भारत को जीत दिलवाकर विश्व चैंपियन बनाया था। हालांकि जोगिंदर उसके बाद टीम इंडिया का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन IPL के शुरुआती सीजन में वह दिखाई दिए थे। पर एक रोड एक्सीडेंट में जोगिंदर की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें जोगिंदर बुरी तरह घायल हो गए। इस हादसे के बाद जोगिंदर मैदान पर वापसी नहीं कर सके और उन्होंने हरियाणा पुलिस में अधिकारी का पद ले लिया। क्रिस लुईस बने स्मगलर। इंग्लैंड का यह पूर्व ऑलराउंडर जिसने इंग्लिश के लिए 32 टेस्ट मैच 53 विकेट झटके, लुईस को इंग्लैंड के अगले इयॉन बॉटम के नाम से भी जानने लगे थे। उनके बल्ले से महज एक शतक निकला था, वह भी साल 1993 में भारत के खिलाफ, लेकिन लुईस अपने इस परफॉर्मेंस को बरकरार नहीं रख सके और जल्द ही टीम से बाहर हो गए। 1996 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेला। साल 2009 में लुईस को ड्रग सप्लाई की वजह से 14 साल की जेल हो गई और उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने किट बैग में जूस के कैन के साथ ड्रग्स की सप्लाई की थी। कर्टली एम्ब्रोस। वेस्ट इंडीज क्रिकेट की गेंदबाजी का यह तूफान जिसके सामने किसी भी बल्लेबाज लाइनअप का टिक पाना नामुमकिन था। अपनी आग बरपाती गेंदों से एम्ब्रोस ने दुनिया भर में तहलका मचा रखा था। 98 टेस्ट में 20.99 की एवरेज से उन्होंने 405 विकेट अपने नाम किए थे, तो वही 176 वनडे में 225 विकेट झटकाने वाले एम्ब्रोस ने साल 2000 में क्रिकेट से अलविदा कह दिया। इसके बाद उन्होंने एक बैंड में गिटारिस्ट की जॉब की। एंट्री फील्ड टॉप बने बॉक्सर। इंग्लैंड की टीम के पूर्व कप्तान और सबसे धाकड़ ऑलराउंडर फ्लिंट टॉप ने इंग्लैंड क्रिकेट की परिभाषा ही पलट कर रख दी थी। 79 टेस्ट में 226 विकेट और 141 वनडे में 169 विकेट झटकने वाले फ्लिंट टॉप ने साल 2009 में क्रिकेट से अलविदा कहने के बाद बॉक्सिंग में अपना करियर बनाया। हालांकि फ्लिंट टॉप ने सिर्फ एक प्रोफेशनल मुकाबला खेला था और उसमें जीत हासिल की थी, लेकिन इसके अलावा फ्लिंट टॉप ने फिल्में, टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज में भी एक्टिंग की थी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।